स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज हम दो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि हम इन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर भी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रियलमी ने अपने रियलमी बर्ड्स 2 नियो लॉन्च करे थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे या जो लोग नहीं जानते, रियलमी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे 30 जून को, और उन प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन और उन प्रोडक्ट्स की सेलिंग डेट्स और उन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस था वो उन्होंने लाइव यूट्यूब पर लाइव उन्होंने उस चीज का लॉन्च रखा था। और उस लाइव लॉन्चिंग के बाद उन्होंने रियलमी बर्ड्स की सेल स्टार्ट करी थी। रियलमी बर्ड्स 2 नियो जो है वो एक वायर्ड ईयरफोन है, जो कि रियलमी बर्ड्स 2 ये कह सकते हैं न्यू मॉडल है, ठीक है। बट इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रियलमी बर्ड्स 2 का बॉक्स है, ठीक है, और ये रियलमी बर्ड्स 2 नियो का बॉक्स है। रियलमी के ये जो रियलमी बर्ड्स 2 हैं ये काफ़ी पॉपुलर ईयरफोन है, आज भी ये प्रीमियम ईयरफोन्स के अंदर आते हैं वायर्ड ईयरफोन्स में। और इसका इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा है, इनका प्राइस 600 है। पहले इसका जो प्राइस था वो 500 था, बट अभी लास्ट 6-7 महीने से इसका जो प्राइस है वो 600 के आसपास चल रहा है। अब ये जो Realme Buds 2 Neo है ये इसी का ही एक नया वर्जन है, जो कि 500 के प्राइस में लॉन्च करा गया है। बट दोनों के अंदर कुछ चेंजेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि Realme Buds 2 के अंदर आपको 11.2 mm के बास बूस्ट ड्राइवर मिलेंगे, यहाँ पे बिल्ट इन मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे डुअल एंटी ट्विनिंग केबल है, और साथ में यहाँ पे आपको केबल ऑर्गेनाइजर मिलता है। जबकि यहाँ पे Realme Buds 2 Neo के अंदर आपको 11.2 mm का डायनामिक ड्राइवर मिलता है, एक्सीलेंट बास परफॉर्मेंस मिलता है, फैशनेबल डिजाइन है, ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक का फीचर है वो अवेलेबल नहीं है, केबल ऑर्गेनाइजर का जो फीचर है वो नहीं है। यहाँ पे भी टेंजल फ्री केबल है, 90 एंगल ऑडियो जैक है, जो कि रियलमी बर्ड्स 2 में नहीं था, और दोनों के अंदर HD माइक्रोफोन है। दोनों का ही माइक्रोफोन बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि अभी तक के रिव्यूज हैं दोनों का ही माइक्रोफोन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो ये रियलमी के दोनों ही ईयरबड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रीमियम वायर्ड ईयरफोन्स हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में कंपेयर करेंगे तो आपको रियलमी का जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है और जो माइक क्वालिटी है, वैसा माइक क्वालिटी और साउंड क्वालिटी आपको किसी और ईयरफोन में नहीं मिलेगा। हालांकि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी है, ठीक है। बट अब आप देख सकते हैं कि रियलमी ने पैकेज भी छोटा कर दिया है, और दो जो मेन हाइलाइट्स थे इस प्रोडक्ट के, एक तो केबल ऑर्गेनाइजर और दूसरा बिल्ट इन मैग्नेट्स। क्योंकि इसमें मैग्नेट्स थे तो आप इसको जब नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको मैग्नेट के थ्रू चिपका कर रख सकते थे, जो कि Realme Buds 2 Neo के अंदर ये दोनों फीचर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं ओपन करके कि ये कैसे दिखाई देते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। हम इसके जो सील है उसको ओपन कर देते हैं, इसको हमने ओपन कर दिया है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको ओपन करने की। अब देख सकते हैं पैकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये फट जाए, ठीक है, इसलिए मैं इसको प्यार से खोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये फटे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। सो ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर से निकलने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा एक सेक्शन है जिसके अंदर आपको सारी बाकी बची हुई केबल और जो एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो ये Realme Buds 2 का डिज़ाइन है। नाउ हम Realme Buds 2 Neo को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका बॉक्स आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा कर दिया गया है कंपनी ने, और इसका जो बॉक्स है वो येलो कलर में है, जो कि कंपनी के मेन लोगो का कलर है, और ये लगभग आपको कंपनी के हर प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, जो तरीका था वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बस पैकेट को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये केबल है और यहाँ पे 90 एंगल का जैक है, और यहाँ पे आपको ये ईयरबड्स मिले हैं, ठीक है, दो अलग साइज में, स्मॉल मीडियम और लार्ज साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से रख के इसको इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। से मान लीजिए आपने इसको रख दिया और अब इसको आप बंद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बंद इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा प्रोडक्ट है, हम देख लेते हैं प्रोडक्ट को निकाल के थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पे हैं लगे हुए, इसको आप इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप इसको इस तरह से निकाल लेंगे धीरे धीरे इससे। तो ये आपका जो ईयरफोन है वो बाहर आ गया है, ठीक है।
तो ये है Realme के बड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लिप ऑर्गेनाइजर आपको दिख रहा है और ये इसका जैक है जो कि नॉर्मल सीधा जैक है, ठीक है। और ये इसका जैक है जो कि एकदम स्ट्रेट है, बट जो Realme बड्स 2 नियो है उसके अंदर के जो आपको जैक मिलेंगे ये भी देखिए लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज के हैं। यहाँ पे ये आपको दिखेगा Realme के जो बड्स हैं उस पर यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिखाई देगी। ये तीन कलर में आते थे, ऑरेंज ग्रीन और ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज डार्क ग्रीन और ब्लैक में। ये देखिए इस तरह से चिपक जाते हैं, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक से चिपक जाते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन ईयरफोन्स में क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे धीरे से इसको निकालने की कोशिश करी है, ठीक है, थोड़ा सा अटका हुआ है, इसको थोड़ा सा प्यार से निकालना पड़ेगा वरना ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकला है, ठीक है। तो ज़्यादा ज़ोर से हमें इसे नहीं खींचना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, बस ये 90 डिग्री एंगल का है। और ये इसका माइक्रोफोन है, इसके अंदर आपको एक बटन मिलता है, और ये Realme बड्स का माइक्रोफोन है जिसके अंदर आपको एक बटन मिलता है। तो माइक्रोफोन की थोड़ी साइज़ छोटी कर दी गई है, बटन दोनों के अंदर एक जैसा दिख रहा है आपको। और ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, दोनों के डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको ये इस तरह, यहाँ पे आपको इस तरह से रेडियल इफेक्ट मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग दिखती है और ये इस तरह से चिपक जाता है। इस बार इन्होंने Realme की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे नहीं दी है। सो इसकी जो केबल है और इसकी जो केबल है उसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे वाली केबल है वो नायलॉन की केबल है और ये जो केबल है नॉर्मल रबड़ की केबल है, ये भी एक डिफरेंस है, इसलिए ये थोड़े प्राइस में सस्ते भी है। इसकी जो केबल है वो काफ़ी प्रीमियम केबल है, अगर आप देख सकते हैं ये नायलॉन की केबल है, ठीक है। इसको, इसमें आपको कटने का डर नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं से ये कट नहीं सकती है, जैसे अगर आप इसको फोल्ड करके रखते हैं तो कहीं से भी ये कट नहीं सकती है, ठीक है, इसलिए इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज भी कर दिया गया है। और ये नॉर्मल रबर की केबल है जैसे कि बाकी ईयरफोन्स में आती हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये थी अनबॉक्सिंग और कंपेयरिंग Realme बड्स 2 नियो की और Realme बड्स 2 की। तो आपने देख लिया है कि आपको ईयर कप्स मिल जाएंगे तीन साइज के अंदर और आपको साथ में ईयर फोन्स मिल जाएंगे, जिसमें क्या डिफरेंस है, एक तो मैग्नेटिक का और दूसरा ये जो ईयरफोन है उसकी केबल के अंदर आपको थोड़ी सी क्वालिटी चेंजेस मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। सो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ईयरबड्स लेने की इच्छा रखते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक वाला ईयरबड्स चाहिए तो आप Realme के बड्स 2 ले सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल ईयरफोन्स 90 डिग्री एंगल पे चाहिए तो आप ये Realme बड्स 2 नियो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो, अगर ये कंपैरिजन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ।